नमस्कार दोस्तों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है कि अगर आप सपने में अर्थी देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये शुभ होता है क्या अशुभ होता है, इस पर स्वप्न शास्त्र क्या बोलता है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सोते समय हमें जो भी सपने दिखाई देते हैं वे हमें भविष्य के बारे में कई तरीके के संकेत देते हैं। कई बार सपनों में हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिससे हमारा मन भयभीत हो जाता है, जबकि कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हमें आंतरिक खुशी या तृप्ति प्रदान करते हैं। आमतौर पर हमें सिर्फ वही सपने याद रहते हैं जो बहुत डरावने हो या बहुत सुखद हो। सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर सपनों को देखने के तुरंत बाद ही हम भूल जाते हैं। आखिर ये सपने हमें भविष्य की किन परिस्थितियों का संकेत देते हैं, आइए जानते हैं। अगर आप सपने में अर्थी देखते हैं तो इसको शुभ माना जाता है। इसी सिलसिले में अर्थी के बारे में ज्योतिषों ने बताया है कि अगर आप सोते समय सपने में अर्थी दिखाई देती है तो कई लोग घबरा जाते हैं। लोग सपने में अर्थी देखने को अशुभ मान लेते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र में सपने में दिखाई देने वाली अर्थी को शुभ माना जाता है। सपने में अर्थी दिखाई देना कई मायनों में काफ़ी शुभ होता है। यदि कोई व्यक्ति सपने में अर्थी देखता है तो ये उसके लिए शुभ संकेत होता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति सपने में अर्थी देखता है तो ये उस बात की ओर संकेत करता है कि वह व्यक्ति जल्द ही रोग मुक्त होने वाला है। इसके अलावा इस तरीके के सपने और भी कुछ शुभ संकेत देते हैं। सपने में अर्थी देखना व्यापारी को भी मुनाफा बताया गया। अगर आप व्यापारी हैं और अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो आपको व्यापार में मुनाफा होने वाला है। सपने में अर्थी देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि उस व्यक्ति को जल्द ही धन लाभ होने वाला है। ये धन लाभ किसी भी तरीके से हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यापारी सोते वक्त सपने में अर्थी देखता है तो ये इस बात का संकेत देता है कि व्यापारी को उसके व्यवसाय में अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सपने में अर्थी देखना हर एंगल से शुभ है। यदि आप भी कभी सपने में कोई अर्थी देखते हैं तो घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सपना आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस बात का संकेत देता है कि जल्द ही आपकी कई परेशानियां दूर होने वाली हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय सियाराम।